में हम पॉजिटिव है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मोरलेस कमेंट्री अच्छी है, एसेट क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, तो फाइनेंशियल एंड डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे हम ज्यादा फोकस करें। सो फार इन CY22 कैलेंडर वर्ष 2022 में अगर आप 3 जनवरी से लेकर चलें तो अब तक 1.67 करीब 1,67,000 करोड़ रुपए FIIs की सेलिंग है और उसके अगेंस्ट DIIs की 1.31 1,31,000 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो आप ये बाजार कभी भी बिना बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचता और ये बाजार जब पेन में होता है तो बैंक निफ्टी लीडरशिप में ही पेन में होता है। मोटे तौर पर अब तक जिन बैंकों के नतीजे आए उसको देख कर आप लोगों की फीलिंग क्या है और सारे नंबर मोर और लेस आ ही चुके हैं, जिस प्रकार के एसेट क्वालिटी रही, जिस प्रकार की क्रेडिट ग्रोथ रही उसको देख के आप लोग फुली डिप्लॉय है। दूसरी एक चीज ये कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से नेचुरली वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, क्योंकि इन्वेंट्री की जो 100 रुपए की इन्वेंट्री थी अब 120 रुपए की हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी है, तो वर्किंग कैपिटल जो है इन्फ्लेशन की वजह से भी उसमें ग्रोथ आ सकता है। दिक्कत भरा बहुत वोलेटाइल सेशन और रोज उठापटक के साथ कामकाज, और रोज जो उठापटक हो रही है वो भी मीनिंगफुल मूव्स हैं ईदर वेज। क्या मूड बन रहा है, ये रोलर कोस्टर राइड जो देखने को मिल रही थी ये कंटिन्यू रहने वाली है? अगर हाँ तो कब तक सर? बिल्कुल, बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस वर्किंग। एक तो हमारी जो लोकल इकोनॉमी है वो 2 साल के स्लगिशनेस के बाद कोरोना के ड्रैग से निकलने का ट्राई कर रही है, तो जो पेंट अप डिमांड है, पेंट अप कंजम्पशन है, एक्टिविटीज है वो निकलने की ट्राई कर रही है, और हम देख भी रहे हैं। आप होटल में जाइए, मल्टीप्लेक्सेस में जाइए, मॉल्स में जाइए, एयरलाइंस में जाइए, कहीं पे यू नो सीट्स अवेलेबल नहीं है, ऑल फुल पैक, तो स्पेंडिंग तो कर रहे हैं लोग। सो एक जो हमारी नेचुरल रिकवरी है वो होने का ट्राई करने का ट्राई कर रही है इकोनॉमी, कंज्यूमर ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड ये जो हम कमोडिटीज इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो एक हेडविंड हो रही है हमारे लिए, तो दो फोर्सेज यू नो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसकी वजह से ये यू नो वॉलेटिलिटी है। और मेरे ख्याल से ये साल जब तक ये यूक्रेन रशिया और चाइनीज सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ऐसी वॉलेटिलिटी हमें झेलनी पड़ेगी। एक दिन एप्पल चलता है और एक दिन अमेज़न घटता है, उसका आपके ऊपर क्या असर हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो, डेली मार्केट की वॉलेटिलिटी है। मुझे लगता है द लास्ट ऑफ द वॉलेटिलिटी विल बी द फेड प्राइसिंग इन। अगर ग्रोथ वहां स्लो कर रही है तो फेड विल नॉट बी हॉकिश, रादर ही में बिकम डविश, और जो भी होना है टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रूल द रूस्ट एंड आई थिंक इंडिया इज हियर टू आउट परफॉर्म। चाहे आप लीवर के नंबर देखिए, चाहे HDFC लाइफ और अब आप रिलायंस के नंबर देखेंगे स्टैंड आउट, तो मुझे कोई दो राय नहीं, मे इज गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ, और वो जो ओल्ड एडेज है सेल इन मे एंड गो अवे विल बी अगेन प्रूव्ड रॉन्ग, सो बाय इन मे एंड स्टे द कोर्स इज द एडेज फॉर मे। 1.5 लाख करोड़ की FIIs की बिकवाली महज इसी साल में हो चुकी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज का मैं पढ़ रहा था कि 1.5 लाख करोड़ की FIIs की सेलिंग हो गई और DIIs उसे एक तरह से संभाल ही रहे हैं और इंडेक्स सिर्फ 800 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, तो इतनी बड़ी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर गई इंडियन मार्केट। हाईलाइट ही है इस ये मैग्नीट्यूड लास्ट फॉल से कहीं ज्यादा है जो FIIs का है, और ये दिखाता है हमारी आजकल डोमेस्टिक वो दमखम 3,000-4,000 करोड़ की रोज 11,000-12,000 करोड़ की SIP फ्लोज, ये सब रिफ्लेक्ट हो रही है, आप निर्भर हो चुके हैं पूरी तरह से। बाकी कहीं होना हो यहाँ तो होने लगे। करीब करीब 1,67,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली इस साल अब तक जो FIIs है वो कर चुके हैं। ये तमाम आंकड़े हैं, 41,000 करोड़, 45,000 करोड़, 42,000 करोड़, 37,000 करोड़, ये कुछ नंबर है। 37,000 करोड़ ये 2 दिन पहले तक का नंबर है, जबकि FIIs की बिकवाली का, हालांकि 2,000 दिन में 1-2,000 करोड़ रुपए का अंतर आता दिखाई पड़ेगा। तो करीब करीब 1,67,000 करोड़ या 1,70,000 करोड़ की बिकवाली FIIs 4 महीने में कर चुके हैं। कहां पर बिकवाली हुई है, किन किन कंपनीज में स्टेक थोड़ा सा ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ा है? भारत फोर्ज, जहां पर 25% के आसपास की हिस्सेदारी थी FIIs की Q2 FY22 तक, वो Q4 तक आते आते करीब 19-19% के आसपास रह गई। HDFC डुओ जो है, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ये हमेशा से FIIs फेवरेट शेयर रहे हैं और ये रीसेंट परफॉर्मेंस आपको क्लियर हो भी गया होगा कि FIIs यहां से ही एग्जिट करके गए हैं, चुका है। Havells 26-27% के आसपास का स्टेक होता था, वो धीरे धीरे घटके 25% के आसपास आता हुआ 24% के आसपास आता दिखाई पड़ा। एस्ट्रल लिमिटेड, एक तरफा तेजी थी, 21% के आसपास का स्टेक था, वो घटके अब 17% के आसपास हो गया। सारे नामों को आप नोट कर लीजिए कि अगला जो प्लेट होगा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ये सब ग्रोथ स्टॉक थे जिन्होंने बढ़िया तेजी दिखाई भी थी। HDFC बैंक 38% से घटकर 35%, अल्ट्राटेक देश का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर 16.5% से घटके 14%, FSL एक तरफा तेजी दिखाने वाले शेयरों में 10-11% घटके सीधे 7%, गुजरात गैस 8% से घटकर 6%। तो ये मेजरली वो कंपनियां हैं जहां पे कहां पर लिया है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा BPCL, ITC, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, ये 4 नाम को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि चारों नाम डिविडेंड प्ले के हिसाब से बहुत बढ़िया नाम बन गए थे, यील्ड्स में 6%, 7%, 8%,
5% की यील्ड थी दो क्वार्टर पहले, जहां से स्टेक बढ़ाना शुरू किया, तो पीएसयूज फेवरेट हो गए और हायर डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो है वो समय फेवरेट हो गई, जहां पर स्टेक धीरे धीरे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। तीन क्वार्टर में एफआईएस की चरणी ग्रोथ स्टॉक से बदलकर डिविडेंड प्ले ऑफ की तरफ आ गई, ताकि जो रिटर्न है वो शायद फिक्स 6-7% के आसपास जो होने चाहिए होता वो होता दिखाई पड़े। लेकिन हाँ तो बंद होने से पहले खेलिए था कि नतीजे बहुत बढ़िया आए थे परसों फेसबुक, तो उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, उनके कंज्यूमर बहुत बढ़ रहे थे, तमाम हो रहा, तो उसकी वजह से मार्केट में खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम इंडाइसेस में, तमाम स्टॉक्स में बहुत तेजी आई और इंतजार था कि अमेजॉन, एप्पल और इंटेल नतीजे देंगे, लेकिन नतीजे तो अच्छे दिए एप्पल ने, इन लाइन थे, इंटेल ने एक्सपेक्टेशन से बढ़िया नतीजे पेश किए वहाँ पे, लेकिन उनकी जो गाइडेंस है इन चारों कंपनियों के बहुत ही खराब थे। अमेजॉन ने तो रादर नुकसान कर लिया अपना, डिकेट्स में जाके नुकसान किया उन्होंने पहली बार, इसको मतलब नुकसान लॉस आ गया, लॉस आ गया और लॉस एक इन्वेस्टमेंट का रखा उन्होंने एक विवियन करके ईवीक में, उसमें उनको $7.6 बिलियन का लॉस हुआ है, तो उसका लॉस चले वन ऑफ मान लीजिए आप। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लोग प्री पेंडेमिक लेवल के स्तर पर पहुंच गए, मतलब केवल जो क्लाउड सर्विसेज का बिजनेस था वो रोबस्ट है, वो अभी भी बढ़िया चल रहा है, तो गाइडेंस खराब है, इस वजह से स्टॉक की पिटाई हो गई। एप्पल ने अच्छे नतीजे पेश किए नेट बेसिस पे, हालांकि उनको भी लॉस है, लेकिन उम्मीद बढ़िया की फिर, लेकिन उन्होंने कमेंट्री दी कि चाइना में जो बड़ी दिक्कत चली, सबसे बड़ा मार्केट उनके लिए चाइना ही है, तो जो बड़े महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करके, बोला उसके लिए दिक्कत हो सकती है, और टिम कुक साहब ने यह कहा कि $8 बिलियन का रेवेन्यू कम हो सकता है इनका अगले क्वार्टर में, तो बाजार चूंकि आगे की डिस्काउंटिंग करके चलता है तो उसको लगा कि जब अगला क्वार्टर इससे दिक्कत बड़ा हो सकता है तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, तो वो गिर गया। इंटेल ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए, लेकिन उन्होंने भी यही बोल दिया उनके सीईओ ने कि साहब चिप की समस्या बड़ी है और खत्म नहीं हो रही, 2023 के बाद तक ये चलती रह सकती है, तो वहाँ भी दिक्कत हुई। तो दरअसल इसे मैं 3.5 से पहले सब कुछ ठीक ठाक था, नतीजे भी उतने खराब नहीं थे कि इतनी बुरी पिटाई हो, लेकिन जो गाइडेंस दिया उन्होंने उसकी डिस्काउंटिंग आपको इसके फ्यूचर्स में देखने को मिली। दूसरा वहाँ की GDP का जो नंबर आया वो भी बहुत अच्छा नहीं आया, लोगों को पसंद नहीं, एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसे ही आएगा, लेकिन आगे क्या अच्छा आएगा इस बारे में अभी कोई कमेंट्री किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं दी, कि चूंकि जो समस्याएं गिनाई गई हैं उस खराबी की वजह से उसमें कोई सुधार तो हुआ नहीं अभी तक, तो इसलिए आगे भी क्या GDP में इंप्रूवमेंट आ जाएगा ये वन ऑफ है। मैंने कल भी बताया इस नंबर को देख क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी डिस्काउंटिंग है कि ट्रेड बैलेंस बहुत फ्लोटिंग रेट पे प्राइस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द MCLR प्राइसिंग, तो जो एसेट बेस है वो तुरंत रिप्राइस हो जाता है, तो हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि RBI रेट हाइक करेगा नेक्स्ट साइकिल से और एक साल तक रेट हाइक करते रहेंगे 25-50 bps का एवरी क्वार्टर, तो जो बैंकिंग सिस्टम की एसेट बेस है वो रिप्राइस जल्दी होती है, तो उस तरह से जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में इनिशियली जो होता है बैंकिंग सिस्टम को फायदा होता है और वो होने की उम्मीद है। एसेट क्वालिटी की कमेंट्री हो तो जैसे आपने भी बोला, मैं भी कह रहा हूँ कि सो फार इट्स बीन क्वाइट स्टेबल, तो मेरे ख्याल से अगर ये जो चलता रहा रेट हाइक का सिनेरियो, तो इनिशियली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम देख सकते हैं कि बैंकिंग आउट परफॉर्म कर सकता है, वैल्यूएशन भी अभी रिलेटिवली कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अट्रैक्टिव है, बिगड़ा हुआ है, आगे ठीक होगा पता नहीं। फेड का मूव क्या होगा 4 तारीख को, अब आप उसी हफ्ते में पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट वीक, जहां पे फैसला लिया जाना है। डॉलर इंडेक्स ने 104 हिट कर दिया जो 19 साल का हाई है, इस समय भी 3.575 पे ट्रेड कर रहा है, तो बाद और पहले की कहानी के बीच में पूरा मार्केट झूल रहा है। अच्छा, इस समय हम लोग रोज कहते हैं कि आज आप अभी बोलना, हो सकता है घंटे बाद कुछ और कहानी आपको दिखने। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, टिपिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर का बिहेवियर रहता है, जो डॉलर इंडेक्स जब अप्रिशिएट होता है खास करके इमर्जिंग मार्केट करेंसीज और अदर करेंसी हिसाब से, तो एक इसको रिस्क ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन गिनी जाती है, तो जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो डॉलर की ओर खींचती है और जो बाकी करेंसीज बाकी कंट्रीज है वहां से निकलती है। बट मेरे ख्याल से जिस तरह से रुपी होल्ड ऑन करने हमारे पास है क्लोज टू $600 बिलियन, तो ये वॉलेटिलिटी अगर लंबी नहीं चली तो वी कैन बेयर इट, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस इश्यू होगा डॉलर इंडेक्स सपोज 103 आपने जैसे बोला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर उसके ज्यादा ब्रेकआउट करके 105-110 जाता है तो ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू हो सकती है, FIS की सेलिंग कंटिन्यू